हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड है। दिस सीरीज ऑन करंट अफेयर्स। आज 18th ऑफ सितंबर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गुजरात सरकार ने एक स्कीम निकाली है, सब्सिडी स्कीम, जिसमें ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा, खासकर स्टूडेंट्स के लिए है। जो 9th से लेके कॉलेज में पढ़ते होंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए 12,000 रुपीज़ की सब्सिडी दी जाएगी फॉर 2 व्हीलर्स। इसी तरह ई रिक्शाज और 3 व्हीलर्स के लिए 48,000 की सब्सिडी स्कीम है। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 74% किसमें, डिफेंस सेक्टर में, अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट। एफडीआई जो है होता है ये 2 रूट्स के अंडर दिया जाता है, एक होता है गवर्नमेंट रूट, दूसरा होता है ऑटोमेटिक रूट। तो ऑटोमेटिक रूट यहाँ पे याद रखना है, पहले था 49%। ये ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट क्या होता है, इकोनॉमिक के टॉपिक्स है वहीं पर कवर करेंगे। एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं ये सार्क मीटिंग पे मिलेंगे। सार्क मीटिंग होने वाली है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन सितंबर 24। एक्चुअली SCO जो मीटिंग होने वाली थी रशिया में, वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हुई, मीटिंग अच्छे से नहीं हुई है। तो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सितंबर 24 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सार्क मीटिंग में मिलेंगे। इस मीटिंग को चेयर कौन करेगा, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ नेपाल। यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने रिज़ाइन किया है फ्रॉम मिनिस्टरशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली 3 फार्म सेक्टर बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे लोकसभा में, उसी के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट इसने ये रिज़ाइन दे दिया है। अगर आपको याद होगा तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी कोई मिनिस्टर या मेम्बर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा होता है, वो पहले उसको ओथ लेना पड़ता है। अगर लोकसभा का मेंबर होगा वहाँ के स्पीकर के सामने ओथ लेना पड़ता है, और अगर राज्यसभा का होगा तो वहाँ के चेयरमैन के सामने उसको ओथ लेना पड़ता है। इसी तरह दूसरा ओथ उसको लेना पड़ता है बिफोर प्रेसिडेंट। तो ये एक यूनियन मिनिस्टर भी थी, इसने इस मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन किया है, यानी कि ये अब यूनियन मिनिस्टर नहीं रहेगी। किसकी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की, लेकिन मेंबर ऑफ लोकसभा रहेगी। जो लोकसभा के स्पीकर के सामने ओथ लिया जाता है, राज्यसभा के चेयरमैन के सामने, वो होता है ओथ फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा या राज्यसभा। दूसरा जो ओथ लिया जाता है प्रेसिडेंट के सामने, वो एज ए मिनिस्टर ओथ लिया जाता है। तो ये जो हरसिमरत कौर बादल है, इसने रिज़ाइन किया है फ्रॉम मिनिस्टरशिप, दैट डजंट मीन कि वो लोकसभा की मेंबर नहीं रहेगी, वो फिर भी लोकसभा की मेंबर है। द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट अलॉन्ग विद सिंगापुर यूनिवर्सिटी, इन्होंने रिलीज़ किया है स्मार्ट सिटी इंडेक्स फॉर 2020। तो इंडेक्स को टॉप किया है सिंगापुर सिटी ने, उसके बाद हेलसिंकी सेकंड रैंक पे, ज्यूरिक थर्ड रैंक पे। ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड में, आपको बताना है हेलसिंकी कहाँ पे है। इंडिया की बात करते हैं तो हैदराबाद 85th रैंक पे आया 2019 में, 67th पे था। न्यू दिल्ली ड्रॉप हो गया टू 86th फ्रॉम 68th। मुंबई स्लिप हो गया फ्रॉम 78th टू 93rd। बेंगलुरु ड्रॉप टू 95th फ्रॉम 79th। तो ये है इंडिया के कुछ स्टेट्स। ब्रेसिलोसिस आल्सो नोन एज माल्टा फीवर हैज़ रिसेंटली अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना। इस डिजीज का दूसरा नाम क्या है, मेडिटेरेनियन फीवर भी है, माल्टा फीवर भी है। ये नाम इसके याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन नेम्ड एन 18-year-old इंडियन टीनेजर उदित सिंगल इन द लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये दिल्ली का रहने वाला है। लीबियन प्राइम मिनिस्टर फयाज सिराज इज टू रिजाइन बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 2020, क्योंकि लीबिया में क्राइसिस चल रहे हैं इसलिए रिजाइन करेगा। नाम पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि ये कहाँ का प्राइम मिनिस्टर है या था। इंडिया ओपन्ड इट्स फर्स्ट एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल एट न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको इनॉग्रेट किया यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। मैक्सिको पहली कंट्री बन गई है टू इशू 7-year सॉरीन SDG बॉन्ड वर्थ $890 million। अपना घर ड्रीम्स एक होम लोन स्कीम लॉन्च की गई फॉर स्किल्ड लेबर्स
बाय ICICI होम फिनांस। इंडियाज इकॉनमी इज टू कंट्रैक्ट बाय 10.2% इन फिनेंशियल ईयर 2021, ये बोला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। डिजिटल लिटरेसी सर्विस चैटबॉट किसने लॉन्च किया? व्हाट्सएप प्लस कॉमन सर्विसेज सेंटर, इकट्ठे इन्होंने इसको लॉन्च किया है। 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसको दिया गया? विकास खन्ना है, जो कि शेफ एक है, इसने COVID-19 के दौरान बहुत सारे बच्चों को खाना खिलाया, उसके लिए इसको ये अवार्ड दिया गया। बुक आज़ादी का ऑथर कौन है? अरुंधति रॉय, ये रिसेंटली पब्लिश की गई। आर्थिका स्पंदना लोन डिसबर्सल स्कीम कर्नाटका के सीएम ने लॉन्च की। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया गया। थीम इसका क्या था इस साल का? हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। PR कृष्णा कुमार आयुर्वेदा का एक्सपर्ट था, इनकी देहांत हो गई एट द एज ऑफ 69 ड्यू टू COVID-19। अशोक गास्ती जो कि एक राज्यसभा के मेंबर थे, उनकी भी देहांत हो गई। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।